नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल से अवार्ड ले चुके निर्माता, निर्देशक और कलाकारों द्वारा बनाई जा रही लघु फिल्म SMS फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी लघु फिल्म कन्या द पावर ह्यूमन के निर्माता और निर्देशकों द्वारा खजुराहो फिल्म फेस्टिवल से अवार्ड लेने के बाद खजाना ए बर्ड मनी नामक अगली लघु फिल्म की शूटिंग बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील अंतर्गत लालबर्रा गार्डन सहित अन्य स्थानों में की जाएगी। फिल्म निर्देशक, निर्माता और अभिनेता वसीम रंगरेज ने चिन्हित स्थानों का निरीक्षण करने के बाद बताया कि खजाना फिल्म की शूटिंग लालबर्रा गार्डन, लालबर्रा के आसपास के जंगलों, सायफनों और पिकनिक स्पॉटों में की जाएगी। इस कहानी के लेखक अधिवक्ता संदेश इंदुलकर के डायरेक्शन और फोटोग्राफी शुभम गोदाम द्वारा की जाएगी। रंगरेज ने बताया कि स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें प्लेटफॉर्म देने की मंशा से इस फिल्म की शूटिंग छोटे से नगर में की जा रही है। फिल्म में चार दोस्तों की कहानी फिल्माई गई है जो बगैर मेहनत किए खजाना हासिल करना चाहते हैं। फिल्म पूरी तरह हॉरर कॉमेडी और सस्पेंस से भरी हुई है। विदित हो कि लालबर्रा के होनहार कलाकार रंगरेज द्वारा इससे पूर्व कन्या द पावर ह्यूमन, बैड हैबिट, लॉन्डे, आज के सहित अन्य लघु फिल्म बना चुके हैं। निर्देशक रंगरेज की दिली इच्छा है कि वे अपने होम टाउन में फिल्म की शूटिंग करें ताकि स्थानीय कलाकारों को अपना अभिनय करने का मौका मिले। बहरहाल फिल्म कितनी सक्सेस हो पाती है ये तो दर्शकों पर निर्भर। जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं वसीम रंगरेज, खजाना मूवी बना रहा हूं, जो डायरेक्टर हूं मैं। तो आज जो निरीक्षण किया आपने लालबर्रा गार्डन का, तो आपके कैमरामैन से क्या क्या डिस्कर्स हुए? हमने जो निरीक्षण किया है आज यहाँ पे गार्डन का, तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी लोकेशन सर्च की है और हम लोगों को लोकेशन देख के ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ पे अपने मूवी के काफ़ी जो सीन है यहाँ पे शूट करेंगे और तीन चार सीन ऐसे हैं जो हम लोग यहाँ पे इस गार्डन में शूट करेंगे। नहीं तो रंगरेज जी, इससे पूर्व भी आपने फिल्म शूटिंग की थी? इसके पहले मैंने कन्या मूवी शूट की थी और बैड हैबिट मूवी शूट की थी और मैंने एक लौंडे आज की मूवी बनाई थी कॉमेडी जी, जो कि हम लोगों ने भोपाल और होशंगाबाद के आसपास की लोकेशन में बनाई थी और अभी ये हमारा पहला प्रयास है जो हम लालबर्रा क्षेत्र में करने जा रहे हैं। नहीं तो फरवरी फर्स्ट वीक में जो शूटिंग की जानी है, इसका थीम क्या रहेगा शीर्षक फिल्म का? इसका जो है टाइटल है खजाना जी। एक गड़े धन के ऊपर ये मूवी है और जो कि सस्पेंस मूवी है, हॉरर मूवी और इस पर थोड़ा सा कॉमेडी भी है और ये एक खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के लिए तैयार की जा रही है। और इससे पहले मैंने जो एक मूवी बनाई थी कन्या मूवी, उसको भी मैंने खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजा था जिससे हम लोग अवार्ड लेके आए हैं और प्रयास हमारा ये भी है कि हम खजाना मूवी जो बना रहे हैं इसको भी खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में भेजें और इससे हम इसको अवार्ड लेके आए। नहीं तो लालबर्रा नगर में गार्डन के अतिरिक्त और किन किन स्थानों का चयन किया गया? अतिरिक्त और आसपास के जैसे सायफन है और लालबर्रा मार्केट में भी शूट किया जाएगा, आजू बाजू के जो हमारे क्षेत्र के जंगल है वहाँ पे भी शूट किया जाएगा। तो इस फिल्म का श्रीगणेश कब से किया जा रहा है? इसका श्रीगणेश हम लोग 8 तारीख से कर रहे हैं, 8 फरवरी 2021 से हम लोग इसका शूट चालू कर देंगे जो कि 1 वीक का चलेगा, 1 हफ्ते तक के हमारा शूट चलेगा, लालबर्रा की लोकेशन पे चलेगा। नहीं तो इस लघु फिल्म में स्थानीय कलाकारों को भी तवज्जो दी जा रही है या बाहर से, फिर आपके जो भोपाल दिल्ली मुंबई से ही? हमारे सिर्फ लोकल के ही कलाकारों को जो है मौका दिया जा रहा है क्योंकि हम इसमें बाहर के कलाकारों को मौका नहीं दे रहे हैं क्योंकि ताकि हमारे जो लोकल के दबे हुए कलाकार हैं हम उनकी प्रतिभाओं को उभेर सकें, उनको हम एक मौका देना चाह रहे हैं कि अपनी इस हमारी शॉर्ट फिल्म के जरिए ये अपनी कलाकारी को दिखाएं ताकि हम इसे आगे तक के ले जा सकें और इसके बाद हमारा एक बड़ा प्रयास रहेगा कि हम एक बड़ा प्रोजेक्ट करें। नहीं तो फिल्म माया नगरी में तो आप तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी और जो अभिनेता है नेता है उन लोगों के साथ रह चुके हैं, फिर आपने लालबर्रा को ही क्यों चुनित किया? लालबर्रा ऐसा है कि लालबर्रा मेरा होम टाउन है और लालबर्रा में भी काफ़ी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी लोकेशन है जो लोग यहाँ तक के आ नहीं पाते हैं, पहुँच नहीं पाते हैं, तो हमने सोचा कि इस मूवी के जरिए हम अपने लालबर्रा की लोकेशंस को दिखाएं, इसको प्रदर्शित करें ताकि कुछ जो हमारे बड़े सेलिब्रिटी हमारे से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे आके कुछ एक बड़े प्रोजेक्ट को करें यहाँ पे। नहीं तो खजाना फिल्म जो शूटिंग की जाएगी जी, वो किन किन पात्रों पे इर्द गिर्द घूमती रहेगी कहानी? ये चार लड़कों की कहानी है जो कि एक गड़े हुए धन के पीछे भागते हैं और आखिरी में फिर उनको पता चलता है कि गड़े धन के पीछे भागते तो है लेकिन उसका आखिरी में अंत क्या होता जी, इसके बारे में बताया गया और बाकी फिर सब आपको मूवी में देखने